हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने अगले वीडियो में आपको जो अनबॉक्सिंग दिखाई थी, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं इसका असेंबलिंग आपको नहीं दिखा सका, पर मैं पूरा असेंबल करके पीसी ही आपको दिखा रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाई थी वो सब इसमें मैंने डाली है। और मदरबोर्ड था आसूस रैमपेज एक्सट्रीम, प्रोसेसर था 3930 के i7, ग्राफिक कार्ड था गीगावाइट का 1050 Ti G1, कैबिनेट है कूलर मास्टर के 501L RGB, पावर सप्लाई है कूलर मास्टर V850 जो कि 850 वोट का पावर सप्लाई है, और 10 GB रैम है, एक 8 GB है और एक 2 GB की रैम है जो कि मैंने अलग अलग स्लॉट में डाली है, और CPU कूलर है कूलर मास्टर का T410। और बाकी के सब कूलिंग फैन है 120 mm के, हार्ड डिस्क से 120 GB SSD इंटेल की और WD की 500 GB स्टोरेज हार्ड डिस्क है। तो सब चीज़ की मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाई थी और असेंबलिंग में नहीं दिखा सका। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका वीडियो पूरा दिखाता हूँ और चालू करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने लाइटिंग वाले फ़ैन लगाए कूलिंग के, जो कि RGB फैन है सब। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। साइड में भी लाइट RGB फैन लगा हुआ है, रियर में तो है ही, CPU कूलर में RGB फैन है। और इसके सब में वीडियो आपको दिखाता हूँ।